नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन, जानते हैं क्या है खबर। कहानी संग्रह बंधन मुक्त का लोकार्पण, जानते हैं पूरा समाचार। सारंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में प्रख्यात साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला जी के नवीनतम कहानी संग्रह बंधन मुक्त का लोकार्पण अंबाला रोड स्थित स्वामी राम तीर्थ केंद्र सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हुआ। मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख कार्यक्रम अध्यक्ष ओपी गौड़ ने दीप प्रज्वलित किया। कवि विनोद भ्रंग ने रमेश चंद्र छबीला जी का जीवन परिचय देते हुए उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता साहित्यकार डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा ने कहानी संग्रह बंधन मुक्त के संबंध में बताया कि सभी कहानियों की भाषा शैली बहुत ही सरल है। कहानी शुरू करते ही पाठक की जिज्ञासा उसे पूरी तरह से पढ़ लेने की रहती है। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं मानो घर घर की ही कहानी हो। कहानी एक अभिशाप, यदि डॉक्टर पढ़ ले तो वे हड़ताल करना ही छोड़ देंगे। विशेष वक्ता साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने कहानी संग्रह पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि विभिन्न फूलों से सजा 9 कहानियों का यह गुलदस्ता पाठकों में रोचकता बनाए रखता है। कहानियों के पात्र हमारे आसपास के ही हैं। लेखक समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयां अपनी कहानी के माध्यम से समाप्त कर देना चाहता है। रमेश चंद्र छबीला जी ने कहा है कि साहित्य गहरे सागर में डूबता जा रहा है। पाठकों के अभाव में अनेक सुप्रसिद्ध पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। नेट के जाल में उलझे लोगों के पास साहित्य पढ़ने का समय ही नहीं है। फिर भी साहित्यकार निराश नहीं है और साहित्य सृजन हो रहा है। श्याम कुमार सैनी, राम कुमार शर्मा व अरुण सूरी ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी सारस्वत, हरी राम पथिक, बी के गुप्ता, राजकुमार, विनोद खुराना, सुनील जैन राणा, सतीश शाह, सतीश आर्य, वेद प्रकाश पोपली, सर्वेश्वर प्रभाकर, नीना बजाज, गुलजारी लाल, राजीव कुमार, गगनदीप, गुरदीप सिंह बावा, राजेश भगत, संजीव कौशल, महेश पहवा, विजय त्यागी, विनय बख्शी व ब्रजेश शर्मा, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रवि बख्शी जी ने किया। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।